हेलो स्टूडेंट्स, आज क्योंकि आपको सभी को पता है हमारा एक्सेल चल रहा है, एमएस एक्सेल पे हम काम कर रहे हैं। और एमएस एक्सेल में जो सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी चीज़ होती है फॉर्मूलेस। जिसके फॉर्मूले सही है उसे फॉर्मूले लगाने आते हैं। समझो उसने 80% एसी 80% एक्सेल सीख लिया उसने। जिसे फॉर्मूले लगाने आ गए उसने 80% एक्सेल सीख लिया, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखना इन फॉर्मूलेस को कैसे लगाते हैं, बल्कि मेरे करवाने से कुछ नहीं होगा। आप मेरे को तो देख सकते हो, जैसे टीचर आपको प्रैक्टिकली लैब्स में सिखाता है ना, लैब में बताता है, वैसे मैं बता रहा हूँ। बस इसमें ये फ़ायदा है कि आपको इसके लिए कोई पेमेंट नहीं देनी। आपको कहीं पर सीखने जाते हो, किसी कोचिंग सेंटर में जाते हो, तो आप बड़ी बड़ी फ़ीस देते हो सीखने के लिए, ठीक है। और कई बार तो आपकी कंपनी है तो आप आउटसोर्सिंग करते हो, बाहर से एम्प्लॉइज़ को रखते हो स्पेशली काम करने के लिए, एक्सेल पे काम करने के लिए, ताकि वो आपके लिए कोई फॉर्मूला या आपके लिए कोई एक्सेल में कोई प्रोग्राम छोटा सा डेवलप करके दे आपके लिए, ताकि आप एक्सेल पे काम कर सको। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, यही है कि अगर आपने खुद प्रैक्टिस की है और अच्छे तरीके से किया है, तो आपने 80% जंग जीत ली। तो आज भी मतलब बहुत सारी कंपनीज़ हैं वो कोई सॉफ्टवेयर वगैरह पे, कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करती, एक्सेल पे काम करती हैं। मैंने देखा है बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी आज भी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ की अलग बात है, या कोई और ही बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी, एक्सपोर्ट कंपनी है कोई, या कोई अलग कंपनी है, तो चलो है। लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारी कंपनीज़ आपके एमएस ऑफिस पे ही काम करती हैं। और जिसको एमएस ऑफिस की नॉलेज होगी ना, समझो वो कामयाब हो गया उस लाइन में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं आगे। आज मैं आपको फॉर्मूलेज और फंक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। हम इनको कई बार फंक्शंस भी बोल सकते हैं, एक्सेल में फंक्शंस कैसे अप्लाई करते हैं, या आपको फॉर्मूलेज भी कह सकते हैं। जनरल लैंग्वेज में हम फॉर्मूलेज ही बोलते हैं, लेकिन कोई आपसे मतलब आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो और आपको फॉर्मूलेज की जगह वो फंक्शंस वर्ड यूज़ करता है कि एक्सेल में फंक्शंस कैसे लगाते हैं, तो हमें सीधा समझ जाना चाहिए फॉर्मूलेज की बात कह रहे हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास एक टेबल तैयार है। टेबल जनरली इस तरीके से होती है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। मैंने एक एग्जांपल लिया है रिजल्ट का ही। इसमें स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स हैं, नेम है, इंग्लिश मैथ हिंदी, ये तीनों ही हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं। मुझे टोटल और परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स हमें पता है कि ए बी सी डी जो ऊपर लिखे हुए हैं वो कॉलम हेडर्स हैं, इसी तरीके से लेफ्ट साइड में जो 1, 2, 3 लिखे हैं वो रो हेडर्स हैं। तो हम किसी भी सेल, हमारा सेल पॉइंटर जिस सेल पर होता है उसका सेल एड्रेस हमें कहाँ पे शो करता है, फॉर्मूला बार में। तो वैसे आप देखो इस टाइम पे हम एफ कॉलम पे और सेकंड रो पे हमारा सेल पॉइंटर है, तो सेल एड्रेस ऊपर क्या दिखा रहा है, F2, ठीक है। इसका मतलब जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो फॉर्मूला मेरा कहाँ पे एंटर किया जाएगा, F2 के अंदर। तो फॉर्मूला हम लिखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले अपना सेल पॉइंटर हमेशा उस सेल पर रखो जिस सेल पे आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैं कैसे कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉर्मूलाज टैब है ऊपर, जैसे आपका होम टैब है, इंसर्ट टैब है, फिर उसके बाद पेज लेआउट टैब है, पेज लेआउट टैब के बाद यहाँ पे आता है फॉर्मूलाज टैब। तो फॉर्मूलाज टैब में फिर ये मेरे पास आता है ऑटो सम, ये है ऑटो सम, ऑटो सम टूल है। इस टूल पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे इस टाइप का मेन्यू खुलता है आपका, जिसमें सम कर सकते हैं हम, मतलब जोड़ सकते हैं हम नंबर्स को, एवरेज नंबर्स के एवरेज निकाल सकते हैं, काउंट नंबर्स, काउंट नंबर्स में हम टोटल नंबर्स काउंट कर सकते हैं, टोटल कितने नंबर हैं, ठीक है। मैक्स मैक्सिमम नंबर निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं हम सभी नंबर्स में से, मिनिमम में मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं हम सब में से। और अगर मुझे इनके अलावा भी और फंक्शंस यूज़ करने हैं तो हम मोर फंक्शंस पे क्लिक करके और ज़्यादा फंक्शंस को देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट फ़िलहाल मैं यहाँ पे सम पे क्लिक करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे सम चाहिए। तो ऑटो सम पे जाके मैंने सम पे क्लिक कर दिया। सम पे क्लिक करते ही स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, आप ध्यान से देखो, अपने आप ही फॉर्मूला लगा गए यहाँ पे, इक्वल सम और ब्रैकेट के अंदर देखो एक ओपन ब्रैकेट है, फिर रेंज है, रेंज के बाद फिर क्लोज ब्रैकेट है, क्या लिखा, इक्वल सम, फिर ओपन ब्रैकेट, फिर रेंज आ गई, जिस रेंज का मुझे सम करना है
और लास्ट में ब्रैकेट बंद होगी। अच्छा स्टूडेंट, जब मैं ऑटो सम में सम का यूज़ करता हूँ तो ये रेंज ऑटोमेटिकली ही ले लेता है। ये रेंज जो इसके लेफ्ट में सेल्स हैं, जितने भी न्यूमेरिक सेल्स होंगे उन सभी की रेंज यहाँ पे शो कर देगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब देखो स्टूडेंट, वैसे भी हमें C2 से लेके E2 तक ही सम करना था, क्योंकि C2 में मेरे इंग्लिश के मार्क्स हैं, D2 में मेरे मैथ के मार्क्स हैं और E2 में मेरे हिंदी के मार्क्स हैं। मुझे इन तीनों का ही सम करना था, तो हमारी रेंज C2:E2 ही होनी चाहिए यहाँ पे, C2:E2। ठीक है, अगर आप फिर भी इस रेंज को एडिट करना चाहते हो तो आप इस रेंज को चेंज कर सकते हो। इस पर क्लिक, आप अभी तो बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट है, इसको मैं एडिट कर सकता हूँ इस पर क्लिक करके, या हम नई रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली इसमें जो सेल्स हैं, इसमें जो लिखा हुआ है, इस सभी को आप डिलीट कर दो और आप खुद से रेंज सेलेक्ट करके, जैसे मैं C2 से लेके E2 तक माउस पॉइंटर से रेंज को सिलेक्ट कर सकता हूँ, वो रेंज ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कर देगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, द फॉर्मूला अपीयर्स ऑन द सेल, यू कैन चेंज द रेंज हियर। आप रेंज को चेंज कर सकते हो, मैंने अभी आपको बताया भी है। वी कैन चेंज द रेंज आइदर बाई एडिटिंग द रेंज, इस रेंज को चाहे तो आप एडिट करो, और सिलेक्टिंग द रेंज, या आप रेंज नई रेंज को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो आप एडिट भी कर सकते हो, सिलेक्ट भी कर सकते हो। सिंपली क्या करोगे, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है आप उसको डिलीट कर दोगे, फिर आप माउस से पहले सेल पे क्लिक करते हुए और ड्रैग करते हुए आगे तक जाओगे जहाँ तक आपको रेंज चाहिए, और वहाँ पे आप छोड़ दोगे, तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली जो रेंज है आपके उस फॉर्मूला के अंदर आ चुकी है। उसके बाद आप एंटर की प्रेस कर दोगे तो आपका वो फंक्शन या फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आगे चले स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, इस तरीके से पहले सेल पे आपका सम आ जाएगा, सिर्फ पहले सेल पे ही आएगा, बाकी सेल्स पे नहीं आएगा, नीचे वाले सेल्स पे नहीं आएगा, सिर्फ पहले वाले सेल पे ही रिज़ल्ट आपको शो कर देगा। और ये रिज़ल्ट मुझे हर एक रो के लिए चाहिए, सेम रिज़ल्ट मुझे हर एक रो के लिए चाहिए। तो क्या करोगे, आप ऊपर वाले सेल को कॉपी करोगे जिस पे आपका फॉर्मूला है, उसको आप कॉपी करोगे और नीचे वाले सारे सेल्स पे उसको पेस्ट कर दोगे। ऊपर कॉपी करोगे और नीचे वाले सेल्स को सिलेक्ट करके आप उस पर पेस्ट कर दोगे। कॉपी पेस्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एडिटिंग कमांड्स के अंदर, तो आपका फॉर्मूला हर एक रो के लिए अप्लाई हो जाएगा। एक तरीका तो यह है, कॉपी पेस्ट करके कर सकते हो आप। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैंने बताया था फिल हैंडल होता है। कोई स्टूडेंट बता सकता है फिल हैंडल क्या होता है? कोई स्टूडेंट बता सकता है फिल हैंडल क्या होता है? आपका जो सेल होता है, सेल पॉइंटर होता है, सेल पॉइंटर के बॉटम राइट कॉर्नर पे एक बॉक्स होता है छोटा सा, सेल पॉइंटर के बॉटम राइट कॉर्नर पे एक छोटा सा बॉक्स होता है, उस बॉक्स को हम बोलते हैं फिल हैंडल। आप अपना सेल पॉइंटर जब इस सेल पे रखोगे तो जो राइट टॉप राइट सॉरी बॉटम राइट कॉर्नर पे जो बॉक्स आएगा, फिल हैंडल बोलते हैं हम उसको, उस फिल हैंडल पे अपने माउस पॉइंटर को लेके जाओगे तो वो एक थिन प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। उसको मैं नीट डाउनवर्ड ड्रैग करूँगा तो आपके बाकी रोज के लिए भी वो सेम फार्मूला कॉपी हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इसलिए इस तरीके से हम हर एक फार्मूलाज को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके बताए मैंने, एक तो कॉपी पेस्ट और दूसरा फिर फिल हैंडल को ड्रैग करके हम बाकी रोज के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलें। अब मुझे परसेंटेज के लिए ये फार्मूला चाहिए, मतलब मुझे एवरेज निकालनी है ना यहाँ पे, तो एवरेज निकालनी है तो मैंने क्या किया, अपना सेल पॉइंटर इस पर्टिकुलर सेल पे रख लिया जो कि G2 है। ये ध्यान रखना, आपको फॉर्मूला जहाँ पे भी अप्लाई करना है, आपको फॉर्मूला आपकी जो रिजल्ट है जिस सेल पे आना चाहिए, आपका सेल पॉइंटर उस सेल पे होना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे सेल पॉइंटर G2 के अंदर है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम दोबारा ऑटो सम पे क्लिक करेंगे। ये ऑटो सम कहाँ पे है, फॉर्मूला टैब के अंदर है, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला टैब है आपका, फॉर्मूला टैब में ये ऑटो सम है, इसके अंदर है ये। तो हम एवरेज पे क्लिक करेंगे, एवरेज पे क्लिक करते ही वही चीज़ होगी जैसा हमारा जैसे सम में हुआ था, एवरेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, तो उसको हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे या कॉपी पेस्ट कर देंगे तो हमारे पास इस टाइप से रिजल्ट आ जाएगा। ये रिज़ल्ट आ चुका है। ये दोनों चीज़ क्या, ये सब आपने करके देखनी है। मैं तो कहता हूँ कि आप इस वीडियो को दो तीन बार देखो, एक बार नहीं दो तीन बार देखा करो एक वीडियो को,
दो तीन बार देखने से क्या होता है, कोई चीज़ आपके दिमाग में पक्की हो जाती है। एक बार तो आपने देखा ठीक है, दूसरी बार देखोगे तो वो चीज़ और ज़्यादा पक्की हो जाएगी, तीसरी बार तो वो कन्फर्म आपके दिमाग में घुस जाएगी, और चौथी बार आपको प्रैक्टिस करनी है उसके बाद। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, यू कैन डायरेक्टली टाइप द फॉर्मूलस, यू कैन डायरेक्टली टाइप द फॉर्मूलस विदाउट यूजिंग एनी ऑप्शन। अगर आप किसी ऑप्शन को यूज़ किए बिना ही फॉर्मूला को डायरेक्टली टाइप करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। काउंट फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ सेल्स कंटेनिंग नंबर्स ओनली, जैसे कि सम में हमने पढ़ा था कि नंबर्स को जोड़ने के लिए, एवरेज में उन नंबर सभी की एवरेज निकालने के लिए। किसी को ये कन्फ्यूजन तो नहीं एवरेज क्या होता है, मैं बता देता हूँ। एवरेज में जो हमारे पास टोटल नंबर्स होते हैं उन सभी को सम किया जाता है, फिर जो उनका काउंट ऑफ नंबर्स है कितने नंबर्स हैं वो टोटल, तो उससे उसको डिवाइड कर दिया जाता है, उस तरीके से हमारी एवरेज निकलती है। मतलब सम को काउंट से डिवाइड किया जाता है, ऊपर हम लिखेंगे सम ऑफ नंबर्स, नीचे आएगा काउंट ऑफ नंबर्स, तो हमारे पास एवरेज निकल आएगी। तो यहाँ पे हमें काउंट करना है कि टोटल नंबर्स है कितने। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे गिनती की छोटी सी टेबल है, मुझे पता है कितने नंबर हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको कोई मोबाइल नंबर दे दिए हों, बहुत सारे कंपनी ने आपको कुछ मोबाइल नंबर दे दिए हों, आप टेलीकॉलर हो, उस पर आपको कॉल करनी हो, और आपको ये टोटल काउंट गिनना हो कि टोटल नंबर्स हैं कितने। आप इस तरीके से तो नहीं करोगे ना, आप एक एक सेल को लिखोगे 1 2 3, एक एक सेल को गिनोगे, एक एक सेल को गिनना तो बेवकूफ़ी है। मान लो आप 3000 नंबर है तो आप गिनने लग गए तो हो गया काम। तो हम काउंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है तो कैसे यूज़ करते हैं हम, आप लिखोगे इक्वल, खुद भी टाइप कर सकते हैं। देखो हमने जो ऊपर किया है वो भी हम खुद टाइप कर सकते थे, वहाँ भी हम लिख सकते थे इक्वल, उसके बाद सम, सम के बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हम जो भी मुझे सेल रेंज लेनी है उसके फर्स्ट सेल का एड्रेस लिखेंगे। मान लो मुझे C2 से लेना है तो मैंने लिखा C2, उसके बाद कोलन साइन लगाएंगे, कोलन साइन होता है वो डबल डॉट वाला, उसको कोलन साइन बोलते हैं। फिर लास्ट सेल, उस रेंज का जो लास्ट सेल है, मतलब मुझे जैसे E2 तक लेना है तो मैंने लिखा C2:E2, उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर दोगे, एंटर की प्रेस कर दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। सेम जैसे ही ऐसे ही मुझे जैसे काउंट करना है नंबर्स को, कितने टोटल नंबर हैं, मैंने लिखा इक्वल काउंट COUNT काउंट, उसके बाद मैंने ब्रैकेट को स्टार्ट किया, फिर मैंने लिखा C2:E2, इसमें क्या होगा मुझे C2 से लेके E2 तो कितने नंबर है उन सभी का सम करना है। ठीक है ब्रैकेट को बंद किया, एंटर की प्रेस कर दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे कि ये मेरा रिजल्ट आ चुका है। ठीक है आगे चले स्टूडेंट्स, आगे वो कह रहा है सिमिलरली वी कैन यूज़ मैक्स फार्मूला, इट कैलकुलेट्स द मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरीके से हम मैक्स फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, मैक्स फार्मूला का यूज़ है मैक्सिमम वैल्यू को शोध करने के लिए। स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर मैक्स लिखा है तो आप मैक्स ही लिखोगे, मैक्सिमम कोई फंक्शन नहीं है। अगर आप लिखने की कोशिश करो इक्वल मैक्सिमम और उसमें रेंज दे रहे हो तो कहोगे रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वो मैक्सिमम तो कीवर्ड ही नहीं है इसके अंदर, मैक्स कीवर्ड है, मैक्स फंक्शन है, तो मैक्स को यूज़ करेंगे, मैक्सिमम को यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। तो अब जैसे मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो मैं क्या करूँगा, क्या लिखोगे आप, पहले आप लिखोगे इक्वल, फिर मैक्स MAX मैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, फिर जिस रेंज में से आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए वो रेंज सेलेक्ट कर लिए। जैसे मैंने किया सिलेक्ट F2:F9, मतलब मुझे F2 से लेकर F9 तक जो भी मेरे पास नंबर्स हैं उनमें मैक्सिमम नंबर क्या है वो मुझे शो करना है, तो इस तरीके से उसने उसको शो कर दिया। इसी तरीके से हम मिनिमम के लिए कर सकते हैं, इक्वल जैसे मैंने यहाँ लिखा इक्वल मिन, और मैंने F2 से लेकर F8 तक की रेंज दे दी, उस रेंज में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मुझे शो कर देगा। तो मिन फंक्शन कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू, तो मैक्स फंक्शन कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स सही चल रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन सम इफ, अभी हमने सम पढ़ा था, एवरेज पढ़ा था, काउंट पढ़ा था, है ना, हमने सम एवरेज काउंट मैक्स और मिनिमम ये 5 फंक्शन पढ़े हैं। आप चाहो तो कॉपी पेन साथ में ले लो और इन फंक्शंस को सिंपली लिखते रहो। मैं ये नहीं कहता आप फंक्शन का पूरा सिंटैक्स लिखो, आप जस्ट फंक्शंस के नाम लिखो, कौन कौन से फंक्शन हमने अभी तक पढ़े हैं। आपने सम पढ़ा, एवरेज काउंट मैक्स
मीन, और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सम इफ। आप क्या लिखोगे? इक्वल सम इफ, एस यू एम आई एफ, सम इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, रेंज दे दोगे, रेंज वो रेंज आएगी जिस रेंज पे आपने ये फंक्शन या ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे मान लो मुझे सी टू से लेके ई टू तक जो मेरी रेंज है उस पे मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मैंने लिखा सी टू कोलन ई टू। ये तो हम सिर्फ सम में करते थे, लेकिन सम इफ में हम क्या करेंगे, इसके आगे भी हम कोमा लगाएंगे। मैंने नीचे एक कोमा साइन लगा रखा है, सी टू कोलन ई टू के बाद कोमा साइन है। कोमा के बाद डबल कोट आप स्टार्ट करोगे जैसे कि मैंने कर रखा है, और डबल कोट के अंदर हम रेंज लिखेंगे, थोड़ी रेंज नहीं, हम क्राइटेरिया लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे कि क्या कंडीशन मुझे अप्लाई करनी है। वो मैंने जैसे कंडीशन दे दी ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 थी, मतलब मैंने इसमें आप सिंपली ग्रेटर देन 30 लिखते तो सिर्फ उसमें आता कि 33 से अबव मार्क्स, लेकिन मैंने ग्रेटर देन के बाद इक्वल टू भी लिखा है, तो इसका मतलब वो 33 से नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं और 33 के इक्वल भी हो सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया। मतलब इसको आप ग्रेटर देन 32 भी लिख सकते हो और ग्रेटर देन इक्वल टू 32 भी लिख सकते हो, इसका मतलब 33 से इक्वल और ग्रेटर देन दोनों, तो बड़ा भी हो सकता है 33 से और 33 के इक्वल भी आ सकता है। फिर मैंने डबल कोट को यहाँ पे क्लोज कर दिया, क्योंकि मुझे तो इनक्लोज करना था ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 डबल कोट्स के अंदर, तो मैंने डबल कोट्स को क्लोज कर दिया। लास्ट में मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दी, एंटर कर दिया। इससे स्टूडेंट्स क्या होगा, सी टू से लेके ई टू तक जो मेरे सेल्स हैं उनमें सिर्फ उन्हीं सेल्स का सम होगा जिनकी वैल्यू 33 या उससे अबव होगी। कई बार स्टूडेंट ये होता है ना, आपका रिजल्ट आया और रिजल्ट में मान लो आपके एक या दो सब्जेक्ट में रीअपियर आ गई, तो जो जिन सब्जेक्ट्स में रीअपियर आई है उसके मार्क्स आपके टोटल मार्क्स में नहीं जुड़ते, क्योंकि वो दोनों मार्क्स तो दोबारा रिवाइज होने होते हैं। जब आप दोबारा रीअपियर के पेपर दोगे तो मार्क्स रिवाइज होंगे ना, रिवाइज होने के बाद जो नए मार्क्स आएंगे वही तो जुड़ेंगे, तो इसमें सिर्फ उन मार्क्स का सम होता है कि जिनमें आप पास हो, तो वहाँ पे आप सम इफ का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दिया इस टाइप का। तो सम इफ फंक्शन एड्स ओनली दोज नंबर्स दैट फॉलो द गिवन क्राइटेरिया, जो एक गिवन क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, सिर्फ उन्हीं नंबर्स का सम करने के लिए हम सम इफ का यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स ये देखो रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट में देखो आप ये वाला तुषार वाला रो देखिए, तुषार में तीन वैल्यूज हैं 32, 31 और 30, लेकिन तीनों ही वैल्यू 30 से कम है, 33 से कम है टोटल, तो इसमें जो रिजल्ट उसने पास में निकाला है उसमें मार्क्स उसने दिए हैं 0। जब तक ये पास किसी में एक भी पास नहीं करेगा तब तक इसका रिजल्ट यहाँ पे 0 रहेगा। आगे चलें स्टूडेंट्स, इसी तरीके से काउंट इफ का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल काउंट इफ, रेंज दे दी जिस रेंज में मुझे चेक करना है, और मैंने कोमा लगाया, डबल कोट्स में कंडीशन दे दी, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर किया। तो इसमें क्या होगा, सी टू से लेके ई एट तक जितने भी मेरे वैल्यूज़ हैं, जितने भी सेल्स हैं, उनमें सिर्फ उन वैल्यूज़ को, उन सेल्स को काउंट करेगा जिसमें मेरी जो वैल्यू है वो 33 या उससे अबव है। मान लो 10 सेल है टोटल, और 10 सेल में से सिर्फ 8 सेल्स में ही 33 से अबव है, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, 8। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम एवरेज इफ का यूज़ कर सकते हैं। इक्वल एवरेज इफ, रेंज दे दी, कोमा, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर कंडीशन दे दी, ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो इसमें भी वही होगा, पहले तो सी टू कॉलन ई टू एक रेंज सेलेक्ट होगी, फिर इस रेंज में से भी एक सब रेंज सेलेक्ट होगी, मतलब ये जो रेंज है इस रेंज में से भी एक छोटी सी रेंज सेलेक्ट होगी जो उस क्राइटेरिया को फॉलो करती होगी, तो फिर उस पर वो फंक्शन अप्लाई होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन रहेगा कि मान लो मेरे पास टोटल मार्क्स तो 10 थे, एक बार सोच लो आप कि टोटल जो नंबर है मेरे पास 10 है, लेकिन उनमें से जो 8 नंबर हैं सिर्फ उनके ही मार्क्स जो हैं 33 से अबव है, मतलब टोटल सेल मेरे पास 10 हैं लेकिन 8 सेल्स पे ही वैल्यू 33 या उससे अबव है, तो एवरेज कैसे निकलेगी? तो एवरेज भी उन 8 के बेस पे ही निकलेगी, उन 8 नंबर्स का ही सम होगा और उन 8 नंबर्स 8 से ही डिवाइड होगा, वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। रिजल्ट देख लो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, आपको इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। प्रैक्टिकली जब आप इसको कर लोगे तब मेरी अगली वीडियो को देखना आप।
या आपकी मर्ज़ी, आप जैसा देखना चाहो। तो स्टूडेंट्स, आपसे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मेरे सभी वीडियोस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी, अपने ग्रुप्स में भी इसको शेयर करवाते रहिए और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा मुझे लगेगा कि लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उतना मैं बढ़िया काम कर पाऊँगा आपके लिए। और मेरा मकसद मेनली यही है इस बार का कि मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ज़्यादा फोकस करूँ। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी हम करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हम करेंगे, लेकिन मैं स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को लेकर चल रहा हूँ थोड़ा सा। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।